स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। भारत ने चीन को एक और मोर्च पर सबक सिखा दिया है। बता दें कि भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटन वीजा पर रोक लगा दी है। दरअसल चीन अपनी नाकामी की खुन्नस भारतीय छात्रों से निकाल रहा है। कोरोना के दौरान चीन से भारत लौटे 20,000 छात्रों को वापस आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि भारतीय छात्र वापस चीन लौटना चाहते हैं ताकि वो अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर सके, लेकिन चीन सिर्फ इंतजार करवा रहा है, जिसके बाद भारत ने पर्यटन वीजा रद्द करके चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए। ये भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटन वीजा पर रोक लगा दी है। हालांकि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ऑफिशियल वीजा अभी जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने ये जानकारी दी है। उधर चीनी नागरिकों के टूरिस्ट वीजा को रद्द करने के फैसले को भारत की तरफ से चीन को मुंह तोड़ जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चीन 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रहा है। ये सभी छात्र कोरोना के चलते चीन से भारत वापस आए थे। चीन ने पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका के छात्रों को लौटने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारतीय छात्रों को वेटिंग में रखा है, जिसके बाद भारत ने इसका चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बता दें कि चीन कोरोना महामारी की नई लहर से जूझ रहा है, फिर भी वह थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के विद्यार्थियों को आने की अनुमति दे चुका है, लेकिन भारत के हजारों स्टूडेंट्स अभी भी बीजिंग की हां का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी के सामने भी ये मुद्दा उठाया था, जब वो पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे। हालांकि चीन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने पिछले महीने 156 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा की सुविधा दोबारा बहाल कर दी थी। भारत ने कोविड के कारण 2 वर्षों के बाद 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं। ताज़ा फैसले के तहत जापान और अमेरिका के सिवा किसी भी देश के नागरिक को जारी किया गया भारत का पर्यटन वीजा अब वैध नहीं होगा। ध्यान रहे कि भारत के टूरिस्ट वीजा की वैधता 10 वर्ष तक रहती है। वैश्विक संस्था IATA समय समय पर अपडेट देता रहता है, ताकि अलायंस को पता चलता रहे कि किन किन देशों के नागरिकों को किन किन देशों की यात्रा की अनुमति है। उसने भारत को लेकर ताज़ा अपडेट 19 अप्रैल को जारी किया था, जिसमें उसने बताया था कि किन किन देशों के नागरिक ई टूरिस्ट वीजा पर अब भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 17 मार्च को कहा था कि भारत ने बीजिंग से इस मामले में सौहार्दपूर्ण रुख अपनाने का आग्रह किया है, ताकि सख्ती की वजह से भारतीय छात्रों का करियर खतरे में ना हो। आगे बागची ने कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 8 फरवरी को कहा था कि चीन इस मामले को अच्छी तरीके से देख रहा है और विदेशी छात्रों को चीन लौटने की अनुमति देने के लिए इसकी जांच करा रहा है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गड़बड़ियां करने की कोशिश में मुंह की खाने के बावजूद चीन भारत को समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझना ही नहीं चाहता है। अगर LAC पर चित होने पर भी उसकी बुद्धि नहीं खुली, तो कम से कम रूस यूक्रेन युद्ध के मामले पर भारत की दो टुक्की आगे अमेरिका समेत तमाम ताकतवर पश्चिमी देशों को घुटने पर आते देखकर ही कुछ सीख लेता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अकल पर ताले पड़े हों तो आप अपनी ताकत पर ही नाज करते रहेंगे, सामने वाले की शक्ति पर कभी नजर ही नहीं जाएगी। यही बात चीन के साथ भी है, जिस वजह से चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।